दोस्तों तो आप अनएकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर दोस्तों आप जाके हमें फॉलो भी कर सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों आपको सर्च करना है प्रमोद राणा। तो जैसे ही दोस्तों आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये प्रोफाइल आ जाएगी और जल्दी से दोस्तों फॉलो कर लीजिए। जैसे ही आप दोस्तों फॉलो करेंगे तो आपके सामने मैसेज का ऑप्शन आ जाएगा, आप मैसेज भी कर सकते हैं। और दोस्तों बहुत से कोर्सेज डाले गए हैं जिसमें रेलवे हुआ, एमपी जीके हुआ, एमपी करंट अफेयर हुआ, सामान्य हिंदी हुआ, तो सभी की तैयारी कराई जा रही है और इन सब की दोस्तों पीडीएफ फाइल आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। मैं वीडियो के अंत में भी आपको बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आप डेमो के माध्यम से दोस्तों देख सकते हैं कि वहाँ किस तरह पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको दोबारा से एक बार और कोर्सेज बता देता हूँ जिसमें कुल 100 अंक का होगा, सभी 20-20 अंक के होंगे, 5 सब्जेक्ट होंगे। तो अब चर्चा करते हैं दोस्तों सामान्य हिंदी के बारे में। तो हिंदी में देखिए दोस्तों, आप जानते हो 20 अंक का होगा और 20 अंक में से ज़्यादा अंक कैसे प्राप्त करें वो इस वीडियो में पूरी चर्चा की जाएगी। तो पहले तो मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ जो प्रीवियस में जो हिंदी आई थी वो किस अनुसार आई थी और अब जो प्रेजेंट में जो सिलेबस वगैरह है वो किस अनुसार आए। तो देखिए दोस्तों पहले तो मैं आपको सबसे आसान आसान टॉपिक बता रहा हूं कि जिनमें आपको क्वेश्चन देखते ही आप आराम से कर पाएंगे। तो संधि से दोस्तों एक क्वेश्चन तो मिनिमम पिछली बार आया था और एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। और संधि में भी दोस्तों क्लियर आपसे कोई भी संधि दे देगा और संधि में पूछ लेगा ये कौन सी है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या फिर विसर्ग संधि है। आप दोस्तों इसको देखते ही, आपने यदि थोड़ा सा भी संधि के बारे में पढ़ रखा है तो आप आराम से इसको कर पाएंगे। दोस्तों संधि वगैरह हुई ये तो आपका +1 नंबर फ्री का है। यदि आपने नॉर्मली पढ़ रहा है वो दोस्तों बहुत ही आसान पूछेगा कि इन शब्द में से संधि आपको बता देनी है, तो आप ये आराम से कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, शुद्ध वाक्य यानी आपको 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से भी दोस्तों एक क्वेश्चन आया था और एक क्वेश्चन पूरा आने की संभावना है। जैसा कि प्रीवियस में दोस्तों जो अभी एग्जाम हो रहे हैं उसका भी पूरा एनालिसिस करके ये बनाया गया है। शुद्ध वाक्य में दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दे देगा और बताना है कि इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, यदि आपने थोड़ी भी यदि आपको हिंदी की ग्रामर और मात्राओं का ज्ञान है तो आप आराम से शुद्ध वाक्य कर पाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों शुद्ध शब्द, यानी क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है, इनमें से भी एक क्वेश्चन आया था। तो शुद्ध शब्द आपको जितने भी दोस्तों बहुत आसान दे देगा, जैसे विद्यार्थी का आप जानते हो ये शुद्ध शब्द है तो अब वो लिख देगा या तो छोटी ई की मात्रा लगा देगा या फिर यहाँ पे दा लिख देगा, विद्यार्थी कर देगा। तो ऐसे आपको करना है, इनमें से आप यदि आपने थोड़ी सी भी शुद्ध शब्द के बारे में ग्रामर पढ़ रखी है तो आप इसको आराम से कर पाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय। अब देखिए प्रत्यय आया दोस्तों, उपसर्ग तो नहीं आया, तो प्रत्यय में भी दोस्तों आप आराम से कर पाएंगे। प्रत्यय में एक क्वेश्चन आया था तो प्रत्यय में भी दोस्तों आप यदि आपने थोड़ा भी प्रत्यय पढ़ रखा है तो आपको आराम से कर पाएंगे। और ये +4 नंबर तो दोस्तों आप क्वेश्चन को देखते ही ले आएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इंग्लिश वर्ड का हिंदी मतलब पूछेगा, यानी आपको कोई भी इंग्लिश वर्ड दे देगा, जैसे कुछ भी आप मान लीजिए, जैसे वाटर मान लीजिए, तो वो 4 ऑप्शन दे देगा वाटर का क्या है, इतना आसान नहीं देगा, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताया है। तो आप कुछ भी समझ लीजिए दोस्तों, वो इतना आसान भी नहीं पूछेगा कि इंग्लिश वर्ड का हिंदी बताओ, थोड़ा टफ भी नहीं पूछेगा, मतलब आपको मॉडरेट लेवल का पूछेगा या आपको अच्छे से दोस्तों पढ़ने होंगे जो नॉर्मल नॉर्मल इंपॉर्टेंट, यदि आपकी दैनिक दैनिक दिनचर्या में यदि आपने वो शब्द वही यूज होते हैं, यदि वो आपने अच्छे से पढ़ के आप जाएंगे तो ये आप +1 नंबर इसका भी खींच पाएंगे। उसके बाद दोस्तों एक मुहावरा पूछा जाएगा, मुहावरे में भी आप जानते हो आसान मुहावरा पूछा जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या पूछा जाएगा, समास। समास में कह सकते हैं कि थोड़ा यदि टफ हो सकता है। और अनएकेडमी में दोस्तों मैं जल्द से जल्द इसका वीडियो भी बनाऊंगा, आप यदि फॉलो करना चाहते हैं तो जल्दी से दोस्तों आप जाके वहाँ प्रमोद राणा सर्च कीजिए और फॉलो कर सकते हैं। वहाँ हिंदी के बहुत से वीडियो डले हैं, एमपी जीके के, मध्य प्रदेश करंट अफेयर की भी पूरी सीरीज वहाँ पर चल रही, तो आप जा सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी। तो समाज में भी दोस्तों थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा था। और अब दोस्तों बात करते हैं अलंकार में। अलंकार में आपको कोई भी सेंटेंस दे देगा, बताएगा कि पूछेगा कि इनमें से कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है, तो ये आपको बताना होगा। ये भी थोड़ा दोस्तों मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन कह सकते हैं, पर यदि आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आप दोस्तों ये जो +5 नंबर हैं, +5 क्वेश्चन के, ये तो आप आराम से ले आओगे। इनमें थोड़ा सा दोस्तों आपको पढ़ना होगा समास और अलंकार में, तो इसमें +1, +1, +2 आप आराम से ले आओगे। ये दोस्तों ज़्यादा इसमें आपको डीपली भी नहीं घुसना है, नॉर्मल नॉर्मल पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब देखिए पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। अब ये दोस्तों जो पर्यायवाची शब्द है और विलोम शब्द है, इनके लिए तो दोस्तों आपको पढ़ना ही होगा। और जैसे कभी कभी दोस्तों ऐसा भी हो जाता है, आपको 3 ऑप्शन दे देगा कुछ भी, पहला, दूसरा और तीसरा, और चौथे में दे देगा उपरोक्त सभी।
तो व्यापम देखना दोस्तों आप ज्यादातर यही करता है कि जो उपरोक्त सभी वाला होता है वो 80% क्वेश्चंस में उपरोक्त सभी ऑप्शन आ जाता है। और तो यदि दोस्तों आपको क्वेश्चन मतलब ऑप्शन में से नहीं आ रहा है तो आप उपरोक्त सभी पे टिक कर सकते हैं। कब? जब आपको तीनों चारों ऑप्शनों में से कोई भी नहीं आ रहा है तो इस कंडीशन में आप उपरोक्त सभी पे टिक कीजिए, आपका आंसर सही होने की 80% संभावना हो जाएगी। अब ये दोस्तों पर्यायवाची हो गया और विलोम शब्द ये भी आसान पूछ रहा है, ये तो आपको पढ़ने ही होंगे। उसके बाद समास दोस्तों हो चुका, समास हो चुका है मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं विलोम शब्द युग्म। विलोम शब्द युग्म यानी दोस्तों आपको दो शब्दों का युग्म दे देगा और बताएगा कि इनमें से विलोम शब्दों का युग्म कौन सा है या फिर विलोम शब्दों का इनमें से युग्म कौन सा नहीं है। एक ऐसा क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा, तो आपके यदि विलोम शब्द अच्छे हैं तो ये आप कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों भिन्नार्थक शब्द युग्म यानी पूछ लेगा कि इनमें से दो शब्द दे देगा, दोनों शब्द जोड़ी के देगा और उनमें कह देगा कि भिन्न अर्थ वाले शब्द युग्म कौन से हैं इनमें से या फिर भिन्न अर्थ वाले शब्द युग्म कौन से नहीं है इनमें से। तो आपको जो भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्द युग्म हो गए यदि कंडीशन हाँ कहता है तो वो आपको उस अनुसार लगा देना है। ये दोनों भी मैं आशा करूंगा कि यदि आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो इन सबको भी आराम से कर पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कोई विश्व हिंदी सम्मेलन यानी जो विश्व हिंदी सम्मेलन है उससे रिलेटेड भी लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था। क्योंकि देखिए लास्ट टाइम जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो कहां पर हुआ था, भोपाल में हुआ था, इसलिए कंडीशन पूछा गया था। अब दोस्तों इस टाइम पूछा जाएगा या नहीं जाएगा ये इस अनुसार है। और जो संविधान सभा में आप जानते हो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आप अच्छे से याद रखें। तो संविधान सभा द्वारा हिंदी भाषा से रिलेटेड ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, आपको यदि क्वेश्चन को आप इन सबको काउंट करेंगे तो आपको +20 से ज़्यादा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो और भी एग्जाम हुए मैंने उन सबका एनालिसिस करके बनाया है, तो 3-4 नंबर आपको मतलब 3-4 क्वेश्चन आपको वो भी अच्छे से करने होंगे क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपकी कौन सी शिफ्ट में आपका पेपर आएगा, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। कोई भी दोस्तों विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में मैं अभी आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूं, और कोई सभा द्वारा हिंदी भाषा ये भी आपको याद रखना होगा। तो देखिए दोस्तों जो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन विदेश मंत्रालय द्वारा मॉरिशस सरकार के सहयोग से 18 से 20 अगस्त 2018 तक मॉरिशस में आयोजित किया जा रहा है। तो मॉरिशस ये आपको याद रखना है कहां पर मॉरिशस में आयोजित किया जा रहा है, कौन से नंबर का, 11वें नंबर का विश्व हिंदी सम्मेलन। कब? 18 से 20 अगस्त 2018 को, यानी ये हो चुका है। अब देखिए 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन को मॉरिशस में आयोजित करने का निर्णय सितंबर 2015 में भारत के भोपाल शहर में आयोजित 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में की लिया गया था। आपको ये याद रखना है कि जो विश्व हिंदी सम्मेलन 10वां हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, भारत के कहाँ पर, भोपाल में हुआ था, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में कहाँ पर, नागपुर भारत में आयोजित किया गया था, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना होगा। तब से विश्व के अलग अलग भागों में ऐसे 10 सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है। और जो दोस्तों 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए विदेश मंत्रालय नोडल मंत्रालय है, व्यवस्थित एवं निर्बाध रूप से सम्मेलन के आयोजन के लिए विभिन्न समितियां गठित की गई हैं। सम्मेलन का दोस्तों मुख्य विषय क्या है, हिंदी विश्व और भारतीय संस्कृति। और सम्मेलन का आयोजन स्थल कौन सा है, स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय सभा केंद्र पाई मॉरिशस हो जाएगा। इस जानकारी को भी आप अच्छे से याद रखें। अब नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों वापस आ जाते हैं। अब देखिए ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर दोस्तों कुछ शिफ्टों में पूछा गया है कुछ में नहीं। तो कौन सी बोली किस जनजाति समूह से है, ये भी आपको अच्छे से याद करने होंगे। कौन सी बोली किस जनजाति समूह से है, जैसे भील, गोंड, कोरकू, बेगा आदि जो ये जनजातियाँ हैं, कौन सी बोली यानी इन जनजातियों में बोली जाती है, ये भी आपको अच्छे से याद करना होगा। चलते हैं दोस्तों, अब देखिए छंद से रिलेटेड एक दो शिफ्टों में ही क्वेश्चन पूछा गया था, और छंद तो आप जानते हो ये आसान है, या +1 नंबर आराम से ले आओगे यदि पूछ ले तो। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कोई कवि वगैरह है तो वो किस बोली से रिलेटेड है, ये भी आपको अच्छे से करना होगा। ये जो दोस्तों मैंने शुरुआत में बताए थे वो तो आपको +1 नंबर लाने के लिए किसी भी हालत में वो तो दोस्तों आने हैं, पर ये भी आ सकते हैं क्योंकि ये प्रीवियस कुछ एग्जाम्स में भी पूछे गए थे। जो ये जेल प्रहरी का एग्जाम हुआ था लास्ट टाइम उनमें कुछ शिफ्टों में भी पूछे गए थे। अब एक क्वेश्चन दोस्तों ये आया था कि जैसे कोई कवि किस प्रकार के कवि यानी भक्तिकालीन कवि है, तो इसके लिए भी आपको ये अच्छे से करने होंगे। इसके लिए दोस्तों मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, ये मैं आपको थोड़ा पहले बता देता हूँ।
दोस्तों जैसे ही आप गूगल पे सर्च करेंगे, मतलब यूट्यूब पे सर्च करेंगे जीएस की दुनिया, दोस्तों पहले चैनल का नाम जीएस की दुनिया था, फिर स्टडी गुरुजी हुआ था, और अब दोस्तों स्टडी हब हो गया है। किसी कारणवश दोस्तों 3 बार नाम बदलना पड़ा, इसके लिए मैं दोस्तों आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो ये स्टडी हब अब चैनल का नाम है। तो जैसे ही दोस्तों आप जीएस की दुनिया सर्च करेंगे या फिर स्टडी हब सर्च कर लीजिए, तो जैसे ही दोस्तों आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये प्रोफाइल खुल जाएगी। आपके पास होम बटन आएगा, वीडियो आएगा, तो आपको दोस्तों प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाना है। तो जैसे ही दोस्तों आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाएंगे तो आपके सामने प्लेलिस्ट में आ जाएगा। तो आपको कहां पर जाना होगा दोस्तों, सामान्य हिंदी में जाना होगा। जैसे ही आप दोस्तों सामान्य हिंदी पर जाएंगे तो आपके सामने ये पूरी प्रोफाइल खुल जाएगी। उसके बाद दोस्तों मैं डायरेक्ट आपको दिखा देता हूँ कि आप यहाँ पहुंच जाएंगे तो आपको दिख जाएगा दोस्तों, देखिए आप किस तरह पढ़ाया गया है। तो देखिए दोस्तों जैसे क्वेश्चन भी बताए गए हैं, उसके बाद जैसे मीराबाई सूरदास कबीर हुए, तो मीराबाई के बारे में पूरी चर्चा की गई है कि इन्होंने किस रस की, जैसे कृष्ण भक्ति ये काव्य धारा के तहत, मीराबाई माधुर्य भक्ति की प्रमुख भक्त, यानी पूरा बताया गया। और इनने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है ये भी अच्छे से बताया गया। इनके पदों का संग्रह मीरा ये आप स्वयं देख सकते हैं और अच्छे से वीडियो को देख सकते हैं। और भी प्लेलिस्ट में दोस्तों सारे वीडियो हैं, इनको आप अच्छे से जाके देख सकते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों वापस, जाके दोस्तों आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों मुक्तक काव्य और खंड काव्य, यानी काव्य से रिलेटेड भी आपको अच्छे से दोस्तों इन क्वेश्चंस को करना होगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई हिंदी का समाचार पत्र नया प्रकाशित हुआ है ये भी आपको अच्छे से करना होगा। और किस कवि की कौन सी कृति है ये तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो दोस्तों मैं बता ही चुका कि ये आपको करना होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रत्येक शिफ्ट में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा ये समझ चाहता हूँ। प्रत्येक प्रत्येक शिफ्ट में दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि किस जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है, यानी कौन कौन से जिलों में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है, ये तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लस वन नंबर लाने के लिए, ये तो आपको करना ही होगा। मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं उस अनुसार। अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, मध्य प्रदेश की जितनी भी सारी पत्रिकाएं हैं ये कौन कौन सी है, ये नाम आपको याद रखने होंगे। और पत्रिकाएं कहाँ से प्रकाशित होती हैं, इनके लिए भी प्लस वन लाने के लिए दोस्तों ये आपको रटने होंगे। अब जैसे वाक्य आ जाएंगे, जैसे वाक्य ये किस तरह है, एक वाक्य आपको दे देगा वो विनम्रता सूचक है, विधि सूचक है, स्थान सूचक है, ये तो आप अच्छे से देखते ही कर लेंगे। तो एक दूसरा पॉइंट आएगा, वाक्य है ये आज्ञा सूचक है, इच्छा सूचक है, संकेतार्थक है, तो ये भी आप आराम से कर लेंगे। एक दोस्तों क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे कोई शब्द दे देगा आपको, इस शब्द का अर्थ है, या फिर इन जो चार ऑप्शन देगा इन चार ऑप्शनों में से इस शब्द का अर्थ नहीं है, ये भी आपको अच्छे से बताना होगा। उसके बाद दोस्तों पूछ लेगा कि ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी प्लस वन लाने के लिए आपको याद करने होंगे कि देखिए आपको चार ऑप्शन दे देगा, कोई शब्द दे देगा, इनमें से शब्द जो है ये कौन सा शब्द है, देशज है, विदेशी है, आदि कौन सा शब्द है, तो मैं आपको ये जानकारी थोड़ी दे देता हूँ। तो देखिए दोस्तों इतिहास या स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहले तो आपको ये याद रखना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले कौन से हो जाएंगे दोस्तों, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द कौन से शब्द होते हैं, यानी संस्कृत से हिंदी में जैसे के तैसे लिए गए, यानी जो संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें कौन से शब्द कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं, यानी बिल्कुल संस्कृत से हिंदी में जैसे के तैसे लिए गए, उन्हें तत्सम शब्द कहेंगे। उसके बाद दोस्तों तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होता है, संस्कृत से हिंदी में लेते हैं तो उनका रूप बदल जाता है, तो ये आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों देशज शब्द। तो देशज शब्द कौन से होते हैं, देश में ही जन्मे जो शब्द होते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे जनजातीय या ग्राम से लिए गए जो शब्द हैं ये क्या हैं, देशज शब्द हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों विदेशी शब्द। विदेशी शब्द कौन से होते हैं, विदेशी विभिन्न भाषाओं से जैसे के तैसे लिए गए शब्दों को क्या कहेंगे, विदेशी शब्द कहेंगे। उसके बाद दोस्तों संकर शब्द। संकर शब्द यानी जो भिन्न भाषाओं से मिलकर बने, यानी हाइब्रिड शब्द, उन्हें भी हाइब्रिड शब्द भी कह सकते हैं। तो इन जानकारी को आप अच्छे से याद रखें, उन जानकारी के बाद यदि आप उन शब्दों को याद करेंगे तो अच्छे से आप समझ भी पाएंगे। दोस्तों इतना डीपली भी नहीं पूछ रहा है कि आपको बहुत टफ टफ शब्दों को याद रखना है। तो ये दोस्तों ये अच्छे से एनालिसिस किया गया। दोस्तों अभी आपके पास करेक्ट 1 मंथ से ज़्यादा बचा है, तो यदि आप 1 मंथ भी अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो जेल प्रेरी या दोस्तों कोई भी एग्जाम आ जाए, व्यापम के जितने भी एग्जाम आ रहे हैं दोस्तों उनमें इसी तरह पूछा जाता है। तो यदि आप इसी तरह पूरी हिंदी को कर लें तो दोस्तों कोई भी एग्जाम में आप रुकोगे नहीं।
तो मैं आशा करूंगा कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगेगी। और दोस्तों अनअकैडमी पे यदि आप चाहेंगे तो ये जो साहित्य वगैरह है इनसे रिलेटेड मैं और जानकारी दे दूंगा, और जो कौन से जिले से कौन सी पत्रिका प्रकाशित होती है या फिर कौन सी बोली बोली जाती है, तो आप जल्दी से अनअकैडमी पे दोस्तों जाके प्रमोद राणा सर्च करके जल्दी से फॉलो कर लीजिए। वहाँ आपको दोस्तों सामान्य हिंदी के बहुत से वीडियोज़ मिलेंगे, वहाँ पर भी मैं जल्द से जल्द वीडियोज़ डालूंगा जो जेल प्रेरी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो मैं आशा करूंगा आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आप भी सोचिए कितनी मेहनत लगती है पूरे सबको एनालिसिस करने में, उसके बाद आपके सामने ये जानकारी शेयर करने में। दोस्तों बस आपसे हम क्या चाहते हैं, ओनली आप लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मैं आशा करूँगा आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।